भूतेश्वर महादेव पर महाशिवरात्रि महोत्सव अंतर्गत नदी महाराज की होगी स्थापना। श्योपुर जिले के प्राचीन स्थल भूतेश्वर महादेव पर महाशिवरात्रि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जहां महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है, वहीं आयोजन को लेकर भूतेश्वर महादेव पर विराजमान संत श्री विवेकानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि महाशिवरात्रि महोत्सव अंतर्गत 14 फरवरी 2023 मंगलवार को कलश यात्रा के साथ ही नंदी जी महाराज का मंडप प्रवेश होगा। वहीं 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। वहीं 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि पर नंदी महाराज की स्थापना की जाएगी। वहीं रात्रि के 4 पहर भूतेश्वर महादेव भगवान का अभिषेक होगा। वहीं 19 फरवरी 2023 रविवार को पूर्णाहुति पश्चात प्रसादी के आयोजन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। संत श्री गिरिजी महाराज ने सभी धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध किया है कि कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। और भगवान की मूर्ति नंदीश्वर की यहाँ आ चुकी है, जिसे 17 फरवरी को ढोडी गणेश से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और आप लोगों को अवश्य ही उस मूर्ति की प्रति मिलेगी और आप लोगों के कैमरे में भी भगवान नंदी आएंगे। किंतु मैं आप लोगों से भी आग्रह और निवेदन करूँगा कि आप लोग कैमरे से पहले स्वयं उनके दर्शन करें। जब भी यहाँ कलुओ भगवान नंदीश्वर पहुँच जाएंगे और कर्म कुटी में वो विराजमान हो जाएंगे और आचार्य जन आए हुए हैं, जब उनका पूजन आदि संस्कार मूर्ति संस्कार प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय दूर से भगवान नंदी के दर्शन की व्यवस्था है। तो कोई भी श्रद्धालु आकर दूर से दर्शन कर सकता है भगवान नंदीश्वर के। और 18 तारीख को महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर नंदी की स्थापना करके सर्व सामान्य के लिए दर्शन के लिए उनका कपाट खोल दिया है। धन्यवाद भाई साहब। नंदी स्थापना का जो कार्यक्रम है उसमें आप मुख्य यजमान हैं, क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से उसकी रूपरेखा आपने तैयार की है? ये सारा जो यजमान का आपने कहा, इसमें तो भूतेश्वर महादेव की ही कृपा है। यहाँ जितने भी हमारे महाराज श्री पधारे हैं विवेकानंद गिरी साहब, इन्होंने गांव वालों से विचार विमर्श से जो यहाँ दर्शनार्थी आते थे उनसे विचार किया होगा और उन्होंने मुझे आदेश किया कि आपको इसका यजमान रहना है। उस आदेश को मैंने सिरोधार करते हुए इस कार्य को पूर्ण करने का पूरे जनमानस श्योपुर, जो पूर्व से एक शिव नगरी और यहाँ हम देखते हैं कि शिव के इतने देवस्थान हैं कि हर कदम कदम पे पूरा श्योपुर तहसील इससे है। और ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्योपुर की जनता को, जैसा कि बताया जाता है गीता के मातम में कि ये प्राचीन प्राचीन काल से इस स्थान का तीर्थ की दृष्टि से भी और धाम की दृष्टि से भी महत्व है। ये शुभ अवसर हम सबको मिला है, हम सब मिलकर इस पुण्य काम में सहभागिता कर रहे हैं। भगवान भूतेश्वर महादेव इसको पूर्ण कराने में हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा।